दिवसीय भक्ति रस वर्धिनी वार्ता सत्र का समापन हुआ है। इस मौके पर भागवत प्रवक्ताओं का कथावाचक व संतों का सम्मान हुआ। वृंदावन में कुंभ क्षेत्र स्थित रसिया बाबा नगर में मास पर्यंत चलने वाले धार्मिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयोजनों की श्रृंखला के अंतर्गत चल रहे 20 दिवसीय भक्ति रस वर्धिनी वार्ता सत्र का भागवतोपासक कथावाचकों एवं संतों के सम्मान के साथ समापन हुआ। इसके अंतर्गत ब्रज के भागवत कथा प्रवक्ताओं का सम्मान पत्रक व दक्षिणा प्रदान कर एवं उत्तरीय उढ़ा कर किया गया। इस अवसर पर सभी भागवत कथा प्रवक्ताओं को विमोचित काव्यबद्ध चौपाई छंद श्लोकानुसारी श्रीमद् भागवत कथा का भावानुवाद ग्रंथ भी प्रदान किया। इससे पूर्व आचार्य गोसाई श्री जुगतानंद जी महाराज द्वारा रचित एवं अलबेली माधुरी शरण जी महाराज द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ सरलीकृत काव्यबद्ध श्लोकानुसारी भावानुवाद का विमोचन मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज, कोरीलाल महंत, श्री किशोर देवजू महाराज, बारा पीठाधीश्वर श्री राम प्रवेश दास जी महाराज, राजा बाबा इंद्रेश महाराज, फूलडोल दास जी महाराज एवं शरणागति परिवार के अध्यक्ष रशिया बाबा सहित ब्रज के अनेक संतों के सानिध्य में किया गया। इस अवसर पर मलुक पीठाधीश्वर आचार्य राजेंद्र दास जी महाराज ने सभी कथावाचकों को सनातन धर्म का ध्वजवाहक बताते हुए उनकी महती भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर आचार्य बागीश भुवनेश्वर शर्मा पदरेणु जी, आचार्य बद्रीश धीर समीर के मदन मोहन दास जी, बिहारी लाल वशिष्ठ आदि उनके प्रवक्ताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर शरणागति परिवार के सचिव शशिकांत भंडारी, प्रवक्ता देव द्विवेदी के अतिरिक्त प्रदीप चौधरी, कन्हैया अग्रवाल, बालकृष्ण अग्रवाल सहित अनेकों भक्तगण उपस्थित रहे। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। अलवर में राज्य